नमस्कार दोस्तों, वी आर क्रिएटिव चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे, हमारे पास जो फाइल मेनू में ऑप्शन है यहाँ पे आप देखेंगे एक्वायर एक्वायर इमेज एज सर्च कंटेंट, और यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट फॉर सेंड टू पब्लिश पीडीएफ, ये हम देखेंगे इसमें, और इसमें कैसे काम होता है और कैसे यूजेज होते हैं हम इसमें थोड़ा समझेंगे। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और इसको हम थोड़ा सा ये हम समझेंगे और ये किस तरह से काम होता है। आप यहाँ पे देखेंगे एक्वायर इमेज, अब जैसे एक्वायर इमेज यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे ये हाइड है। अब जैसे एक्वायर इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह से सर्च में आ जाता है, और आप यहाँ से जाके सर्च में अब जैसे ये ओपन हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास ये ज़्यादा यूजेस में हम लाते नहीं है एक्वायर इमेज, यहाँ पे देखेंगे ये ज़्यादातर यूज में नहीं लाते, क्योंकि ये हमारे पास जो स्कैनर है आपके, अगर स्कैनर अगर आप स्कैन करते हैं आपको उसमें विंडो में आपके साथ इसमें स्कैनर कनेक्ट है, तो उसमें जाके आप इसमें जैसे कनेक्ट करेंगे ये इसमें काम करने लग जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे ये कट का निशान यहाँ पे है, क्योंकि ये इसमें कनेक्ट है, जो स्कैनर है इसमें कनेक्ट नहीं है। अगर इसके कनेक्ट होता तो ये ओपन हो जाता, यहाँ पे देखें विजिबल, यहाँ से विजिबल हो जाता। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे देखेंगे सर्च कंटेंट, ऐसे जिस पे जैसे क्लिक करेंगे आप, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से कुछ आ जाएगा। और आप यहां से मान लीजिए आप किसी भी कोरल फाइल, यहां से कोरल फाइल जैसे ओपन करेंगे, और इसमें मान लीजिए कोई से फोटो है तो आपको यहां से इंपोर्ट करना है। मान लीजिए आप सिंपली यहां से आपको ओपन करना है तो आप यहां से जाके यहां से ड्रैग करके यहां बाहर छोड़ सकते, और आपके पास जो है इस तरह से कोरल यहाँ पे आपके यहाँ पे कोरल में यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो, मान लीजिए आपको इसमें कुछ एडिटिंग करना है, आपके पास यहाँ से अनग्रुप ऑल कर दे, और उसके बाद एक एक चीज़ देखेंगे आपको यहाँ पे सब एक एक अलग अलग पार्ट यहाँ से आप कर सकते हो और इसमें एडिट कर सकते हो कि क्या क्या इसमें इस तरह से बनाया गया है, आप देख सकते हो इस तरह से, ठीक है। और इसी को मैं क्या करता हूँ, रिवर्ट कर देता हूँ, एंड रिवर्ट यहाँ पे जैसे रिवर्ट करता हूँ ओके, हमारे पास जो जैसा पहले था सेम टू सेम वैसे आ जाएगा आपके पास। देखेंगे अब हमारे जो पहले था इस तरह से था, हमने ये ऑलरेडी डिलीट कर चुके थे और ये हमारे पास ऐसे आ चुका है। फिर से इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को जानते हैं यहाँ से, और यहाँ पे देखेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इसके शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई, हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे मान लीजिए हम यहाँ से इमेज पे क्लिक करते हैं, और इमेज से कोई से भी इमेज हम मान लीजिए हमने इसको या इसको हमने किसी को भी मान लीजिए यहाँ से हमने ड्रैग कर लिया, मान लीजिए इसको हमने यहाँ से इम्पोर्ट किया, और मान लीजिए हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है, आप यहाँ तो एक बार क्लिक कर दे आपके पास इस तरह से आ जाएगा, नहीं तो आप जितना पोर्शन में आपको चाहिए उतना पोर्शन जैसे करेंगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो हमारे पास जो जहाँ से हमने इमेज इम्पोर्ट किया था अब वहाँ से आ जाएगा। मान लीजिए हमने डेस्कटॉप पे गए यहाँ पे, और यहाँ पे जाके अब डेस्कटॉप पे हम हमारे पास जहाँ भी सेव है इमेज और कुछ भी हम वहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए बैकग्राउंड है, हम बैकग्राउंड से हमें कोई सा इमेज चाहिए, मान लीजिए ये वाला इमेज चाहिए, इंपोर्ट करेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे जैसे क्लिक कर देंगे आपके आपके पास यहाँ पे इमेज इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और इसको अब अगर आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको इस तरह नहीं करना, आपको एरिया वाइज ही रखना है, तो आप ऐसे इम्पोर्ट करेंगे और आप क्या करेंगे यहाँ से इतना सिलेक्ट करेंगे और इसी में सिलेक्ट में आपका जो इमेज है इम्पोर्ट इमेज इसमें आ जाएगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है यहाँ पे देखेंगे एक्सपोर्ट, यहाँ पे जैसे करेंगे इसके एक्सपोर्ट का ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट के काम हम जैसे अगर कोई जेपीजी बनाते हैं, पीएनजी बनाते हैं, हम सिंपली सेव एज करते तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आता है, और जेपीजी अगर सेव करना है हम एक्सपोर्ट करते हैं और हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। अगर आपको जेपीजी में सेव करना है यहाँ पे जेपीजी सेव कर सकते हैं, पीडीएफ में सेव करना है, आपको अगर इलस्ट्रेटर फॉर्मेट में सेव करना है तो आप इलस्ट्रेटर फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, आपको किस फॉर्मेट में चेंज यहाँ पे सेव करना है आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पीएनजी, आप पीएनजी में सेव करना है पीएनजी में सेव कर सकते हैं, तो अलग अलग यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है आपको किस में सेव करना है। मान लीजिए बहुत सारे यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास सेव जो करने का ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है, आप जिसमें भी आपको सेव करना है, ये फाइल को भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से जेपीजी करते हैं और सेम यहाँ पे क्रिएटिव वन कर देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैंने 9 कर देता हूँ, और यहाँ से आप मान लीजिए यहाँ पे डू नॉट शो, यहाँ पे जैसे डू नॉट शो फिल्टर यहाँ पे जैसे है, तो आप यहाँ पे जैसे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, मान लीजिए इतना क्लिक करेंगे और हमारे पास जितना एरिया होगा सिलेक्टेड उतना यहाँ पे आ जाएगा,
सेव यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे अब देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास थोड़ा सा स्लो है, तो इस तरह से जेपीजी जैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास जेपीजी फॉर्मेट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेता है। और यहाँ पे जैसे आप ये ओपन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से जैसे सिंपली आप ओपन यहाँ पे ओके करेंगे, आपके पास जेपीजी सेव हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से कर दिया, आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास यहाँ पे इस तरह से जैसे बाकी इमेजेस होते हैं वैसे सेम टू सेम यहाँ पे वो ओपन होगा और खुलेगा। ये जेपीजी में आ गया है। तो आपको कोरल में, आप मान लीजिए आपको कोरल में आपको कोई से भी डिज़ाइन बनाया आपने, मान लीजिए इसने ऐसे कुछ तरह से कोई से भी डिज़ाइन तैयार किया, आप चाहते हैं कि उसको आप जेपीजी में सेव करें या पीएनजी में सेव करें, किसी भी फॉर्मेट में चेंज करना है या सेव करना है, आप कर सकते हो। यहाँ से आप मान लीजिए यहाँ से मैंने कुछ बना दिया यहाँ इस तरह से, और इसको मैं कर कलरफिल, ठीक है। और इस तरह से आपको करना है तो आप यहाँ पे सिंपली जाना है, आपको एक्सपोर्ट में जाना है। यहाँ पे जैसे एक्सपोर्ट में करेंगे और ऑप्शन ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगा जेपीजी बिटमैप में। आप यहाँ से जैसे सेव करके यहाँ पे सेव करेंगे आपके पास जेपीजी में सेव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, आप देखेंगे एक्सपोर्ट में यहाँ पे एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस। आपको जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सेव करना है तो आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेव करेंगे, अगर आपको ऑफिस में कोई किसी को भेजना है कि ऑफिस में वो काम करे और उसमें कुछ एडिटिंग यहाँ पे कुछ उसमें ऑफिस के लिए काम करे, तो यहाँ पे आप जैसे सिंपली करेंगे ओके, और यहाँ से ऑफिस यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सेव हो जाएगा। आप वो सिंपली उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम इसमें यहाँ पे एक्सपोर्ट फॉर यहाँ पे वेब। अगर कोई से भी अपने टेम्पलेट बनाया या कुछ भी बनाया आपको वेब के लिए आपको वेब में पब्लिश करना है, तो यहाँ पे आप सिंपली वेब में क्लिक करेंगे तो इसका जो साइज होता है ये कम इसके केबी में सेव होता है और बहुत ही छोटा फाइल सेव होता है। तो आपको अगर वेब के लिए अगर कुछ चाहिए, अगर मतलब सेव करना है या कुछ करना है, तो यहाँ पे सिंपली आप वेब के लिए क्लिक करें और वेब के लिए यहाँ पे वो सेव हो जाएगा और वो वेब के लिए यूज़ हो जाएगा। आप यहाँ से यहाँ पे देखेंगे अलग अलग फॉर्मेट है, आपको किसमें रखना है उसमें रख सकते हो। देखेंगे ये वेब के लिए ये अलग अलग है, आप यहाँ से जैसे सेव करेंगे यहाँ से सेव एस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मान यहाँ पे जिप हो गया और यहाँ पे C4 मैंने सेव कर दिया, आप देखेंगे और ये हमारे पास वेब के लिए सेव हो गया है। अब इसको अगर मान लीजिए इसको ओपन करते हैं यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करेंगे हमारे पास ये वेब में सीधा यहाँ पे देखेंगे ये वेब में ओपन हो गया। आप इसको जूम करेंगे तो हमारे पास जो वेक्टर है वो देखेंगे इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसमें हम देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे फाइल में क्लिक करेंगे सिंपली आप वहाँ पे जाएंगे HTML, यहाँ पे जैसे या आपको कोई टेम्पलेट बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं वेब पेज बनाते हैं आपको HTML में चढ़ाना है तो यहाँ पे आप इस HTML में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे कंप्रेस करके यहाँ पे जिप फोल्डर आपको किसी को सेंड करना, आपको भेजना है यहाँ पे आप कंप्रेस फोल्डर यहाँ पे जिपर करके आप भेज सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे और डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, आपको अगर कोई फाइल बार बार ओपन करना है, आपको उसी फाइल में बार बार ओपन करके आपको काम करना है तो आप डेस्कटॉप में शॉर्टकट बना के आप उसमें काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पे किसी को डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको यहाँ पे सेंड करना है डॉक्यूमेंट बना के, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना के सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे फैक्स रिसिप्ट बना के आपको किसी को सेंड करना है तो यहाँ पे फैक्स रिसिप्ट बना के सेंड करें, मेल रिसिप्ट सेंड करें और मेल करना है तो यहाँ से सिंपली आप मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे पब्लिश टू PDF, आपको इसका अगर PDF में पब्लिश करना है, मान लीजिए हम जैसे सिंपली क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे PDF में आ जाएगा। सिंपली अगर हम PDF में यहाँ पे सेव करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास जो है यहाँ पे फॉर्मेट जो PDF में सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास PDF में यहाँ पे सेव हो गया है, सिंपली आप क्लिक करेंगे वो PDF में खुल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है यहाँ पे देखेंगे ओपन और यहाँ पे सेंड टू, यहाँ पे देख सेंड टू हो गया, पब्लिश हो गया। और इसके बाद देखेंगे पब्लिश शेयर टू, हमारे कंसेप्ट शेयर, अगर आपके पास किसी का अगर पब्लिश करना है यहाँ पे, अगर जो पेज है उसको शेयर करना है तो यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हो। नेक्स्ट और हमारे पास यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर प्रिंट देना है आपको इसको प्रिंट देना है, आप इसके शॉर्टकट की प्रिंट भी कर सकते हो। और आपके पास मतलब कुछ प्रिंट का है ऑप्शन तो यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, और जैसे आपके पास कोई प्रिंटर कनेक्ट है तो प्रिंटर के हिसाब से आपका जो यहाँ पे है वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएगा। और सिंपली आपको यहाँ प्रिंटर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेट करना है, उसके बाद यहाँ से ओके करके प्रिंट दे देना है और उसके बाद से आपके पास प्रिंट होने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे
मर्ज प्रिंट इसका हम ज़्यादा यूज करते नहीं है। अगर प्रिंट कोई प्रिंट है इसको मर्ज करके हम प्रिंट देना है तो हम यहाँ से मर्ज करके प्रिंट देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिट करके एडिट करते हैं, परफॉर्मेंस प्रिंट मर्ज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू। आपके जैसे इसको क्लिक करते हैं प्रिंट प्रीव्यू, आपके अगर प्रिंट होता है कोई भी चीज़ आपके प्रिंट के लिए जाता है तो आपके पास प्रिंट प्रीव्यू में आपको कितना देना है, यहाँ पे कितना रखना है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आपको मान लीजिए यहाँ से आप जैसे आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए तो ये थोड़ा स्लो है, ठीक है, यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट के लिए हमें कितना पेज देना है तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आपको नहीं देना है, आपको यहाँ पे फिट टू पेज आप जैसे करेंगे तो आपके जो पेज है वो यहाँ पे फिट हो जाएगा और आप उतना पेज यहाँ पे प्रिंट दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से और नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से सेट करना है, यहाँ से मूव भी कर सकते हो, यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट है मूव भी कर सकते हो, बाकी यहाँ से जैसे माइनस करेंगे हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा सेम टू सेम वैसे के वैसा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखें कलेक्ट फॉर आउटपुट, जैसे हम कोई चीज़ है आउटपुट के लिए हम भेजते हैं, जैसे आप यहाँ पे कलेक्ट फॉर आउटपुट यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे रहने देते हैं और यहाँ पे जैसे नेक्स्ट करेंगे हमारे पास यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे देखेंगे इंक्लूड सीडीआर, आपको किसी दूसरे को भेजना है, मान लीजिए किसी और को भेजना है और उसको हम मेल के थ्रू, वैसे ज़्यादा फाइल हम इसको हैवी रेजोल्यूशन में ना भेज के हम यहाँ पे एडिट वो फिर से वो एडिट कर सके, मान लीजिए किसी प्रिंट के लिए भेजिए या पब्लिशर को भेजना है तो यहाँ से हम यहाँ पे करके हम भेज सकते हैं। और उसके बाद फिर से यहाँ पे देखें चेंज नहीं करेंगे हम, यहाँ पे प्री प्रेस करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करके हम यहाँ से जैसे नेक्स्ट करेंगे हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद हम जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास कहाँ सेव करना है आप देखेंगे यहाँ पे, हम मान लीजिए हमने यहाँ से सेव कहाँ करना है, यहाँ से हम लोकेशन चॉइस कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे जीपर फोल्डर, यहाँ पे जैसे प्लेस कर दिया नेक्स्ट कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे ये सेव होने लग गया आप देखेंगे, ये सेव होने लग जाएगा और ये थोड़ा सा स्लो है तो हमारे पास ये जैसे फिनिश हो गया तो हम जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास इस तरह से फाइल ओपन यहाँ पे हम करेंगे जैसे ही यहाँ पे तो आप इस तरह से आपके पास फोल्डर बन के आ जाएगा, आप किसी को भेजना है तो यहाँ पे इस तरह से भेज सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसको फिक्स साइज कर लेता हूँ, यहाँ पे फिक्स साइज कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे ही आउटपुट हो गया उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास जो ये पेज है इसका हम अगर कुछ चेंज करना है, अब इसका प्रॉपर्टीज हम देखेंगे इसका क्या कितना है, अगर आपको ऑथर का नाम जैसे यहाँ पे आप कुछ नाम देना है तो यहाँ से नाम देना है तो आप यहाँ पे बी आर क्रिएटिव यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बी आर क्रिएटिव डाल सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे सब्जेक्ट डाल सकते हैं, कुछ भी आपको रखना है तो यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जिट, इसका शॉर्टकट की हमारे पास जो है ऑल्ट प्लस F4। अब जैसे इसको हम एग्जिट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अगर सेव करना है तो सेव कर दे, नो करना है तो आपके पास पूरा एग्जिट हो जाएगा, आप कोरल ड्रॉ से एग्जिट हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जाके जरूर करें। अगर ये वीडियो फिर से आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और इसी तरह के वीडियो अगर आगे भी देखना है आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।